हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करूँगा कि आज के बाद और भी ठीक रहेंगे, क्योंकि आज जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके बाद आपका लाइफ का कुछ तो मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर फ्रेंड है जिससे आप मैसेज SMS करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो आपको क्या करना है अभी अपना भाषा में करना है। जैसे कि अगर आप मुंबई के हैं तो आप मराठी में मैसेज कर सकते हैं, फिर तमिल में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, मलयालम में कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है, उर्दू या फिर पंजाबी, गुजराती, कुछ भी। सो उस सेटिंग को एनेबल करने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो लैंग्वेज का सिस्टम है वो आप खुद का भाषा में कैसे बदल करेंगे। सो चलिए देखते हैं। स्वागत है एक बार फिर मोटोरोला सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी कीबोर्ड निकालना है। मान लीजिए व्हाट्सएप पे जाके आप कीबोर्ड निकालिए, ये रहा कीबोर्ड। जिसे कि आपको पता है कि इंडिया में हर एक स्टेट में अलग अलग भाषाएं होता है, मराठी, बंगाली, फिर असमीस, कुछ भी, हिंदी। सो आपको क्या करना है, ये जो कीबोर्ड है ये ऑन करना है। अगर कीबोर्ड पे आपने एक ही लैंग्वेज है, यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा, पर ये ऑप्शन आपको ज़रूर दिखेगा। आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग है इसमें जाना है, आपको डाटा ऑन कर लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा लैंग्वेज, सो आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी, असमीस और मराठी, ये सारे लैंग्वेज मेरा पहले से मौजूद है इसलिए ये सब है। अगर आपको अपना स्टेट का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, ये जो ऐड लैंग्वेज ऐड कीबोर्ड है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन आया है, इंग्लिश, हिंग्लिश, असमीस, मराठी, हिंदी, बांग्ला, तमिल, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू एक्सेट्रा। सो आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए आप तेलुगु वाला है, सो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, एक है कि ABCD के इंग्लिश में लिखेंगे वो तेलुगु में बदल हो जाएंगे, इसमें आपको हटा देना है और आपको डायरेक्टली तेलुगु ही पे रखना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद वो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ गया है तेलुगु, आपको बैक आना है। अब ये जो जीबोर्ड है इसमें आपको ये ऑप्शन आ गया होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये बदलते जाएंगे। सो SMS हिंदी आया था, ये फिर मराठी आया है, अभी ये दिखे तमिल आ गया है, सॉरी तेलुगु आ गया है। आप कुछ टाइप कर सकते हैं, मैं क्या टाइप कर रहा मुझे पता नहीं, ये कुछ हुआ है नहीं मुझे पता नहीं। अगर आपको ये लैंग्वेज आता है सो आपको दिख गया होगा कि मैंने क्या लिखा, अगर कुछ गलत हो गया तो बुरा मत मानिएगा। सो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कैसे लाना है, ये जो स्पेस वाला ऑप्शन है इसमें लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब थोड़ा देर दबा के रखना है और फिर आपको इंग्लिश पे सिलेक्ट कर देना है। सो सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर ये ऑप्शन आएंगे यहाँ से डायरेक्टली आप बदल सकते हैं इस तरह। सो इसके बाद आप जो है इंग्लिश भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ी रहेगा। मिलते हैं और एक नए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।